दोस्तों, अगर आपका हाई स्पीड डाटा यानी हाई स्पीड नेट पैक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है तो कभी कभी आपका मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपने 50% डाटा यूज़ कर लिया और 80% डाटा यूज़ कर लिया, लेकिन आपने नेट ऑन ही नहीं किया, फिर भी आपका मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो कभी आपने वीडियो 2-3 वीडियो देख नहीं पाते हो लेकिन आपका डाटा ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको 3 स्टेप दिखाऊंगा, इन 3 स्टेपों को आप फॉलो कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेट पैक एंड डाटा को सेविंग कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने मोबाइल पे मेन सेटिंग ओपन कीजिएगा। मेन सेटिंग ओपन होने के बाद कनेक्शन पे क्लिक कीजिए। कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डाटा यूजर सेटिंग आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। मैं ये ट्रिक सैमसंग मोबाइल पे दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास दूसरा ब्रांड का मोबाइल है तो आप एक काम कीजिएगा, आप ऊपर से नोटिफिकेशन बार ओपन कीजिएगा, फिर यहाँ पे मोबाइल डाटा लेकर आएगा, उस पर प्रेस करके रखिएगा। आप प्रेस करने के बाद आपके सामने डाटा यूजर सेटिंग ओपन हो जाएगा। डाटा यूजर सेटिंग ओपन होने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपका मोबाइल पे लिखा रहेगा मोबाइल डाटा यूजर्स, यहाँ पे लिखा रहेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जितना भी ऐप्स है ये सब ऐप्स यहाँ पे शो करेगा। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऐप्स में कितना डाटा यूज़ किया है। देखिए, डाउल मैसेंजर में 68 MB, सिक्योर फोल्डर में 62 एंड मोबाइल एंड हॉटस्पॉट एंड थ्रेडरिंग पे कितना दिखा रहा है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। वीडियो कॉल पे 7 GB यूज़ किया है, फेसबुक में देखिए 5 GB यूज़ किया है, तो यूट्यूब में 4.41 GB यूज़ किया है। तो ये सब ऑटोमेटिक यूज़ कर रहा है, इसलिए आपका मोबाइल पे डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर जब भी आप नेट ऑन करते हो 2-3 वीडियो देखने के बाद आपके मोबाइल पे नेट पैक जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसका कैसे आप सेव कर सकते हो, इसके लिए आप फेसबुक ऐप्स ऑन कीजिएगा। इसमें लिखा लगा अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेस, इस ये ऑन रहेगा आपके मोबाइल पे, आप उसको ऑफ कर दीजिएगा। फिर बैक कीजिएगा, फिर आप यूट्यूब पे क्लिक कीजिएगा, अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेस ये ऑन रहेगा, आप ऑफ कीजिएगा। देखिए, व्हाट्सएप में 1.4 GB डाटा कंज्यूम किया है। मैं नेट ऑन करता हूँ लेकिन व्हाट्सएप ओपन नहीं करता हूँ, फिर भी डाटा ये कंज्यूम कर रहा है। इस तरह आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउड बैकग्राउंड डाटा यूजेस रहेगा, उसको ऑफ कर दीजिए, मेरा ऑफ किया हुआ है। इस तरह आप जितना भी ऐप्स है सब ऐप्स का इस तरह बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं सेकेंड ट्रिक आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से बैक कीजिएगा, बैक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे दिखेगा अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ रहेगा आपका, ये ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद आपके सामने टर्म्स और कंडीशन ये रहेगा, आप एग्री बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। एग्री बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डाटा सेविंग हो जाएगा यहाँ पे, और ये ऑन ही हो जाएगा। इस तरह आप अपने मोबाइल पे अपना डाटा या नेटवर्क को, हाई स्पीड नेटवर्क को आप सेविंग कर सकते हो। थर्ड एंड फाइनल स्टेप, दोस्तों कभी कभी आप लोग वाईफाई एंड हॉटस्पॉट ज़्यादा से ज़्यादा ऑन रखते हो तभी आपका डाटा और भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इसको ऑफ करने के लिए आप बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद आप वाईफाई डाटा यूजर्स, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे आपका कौन सा ऐप्स कितना डाटा कंज्यूम कर रहा है। मेरा यहाँ पे दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने हॉटस्पॉट और वाईफाई कम यूज़ करता हूँ। तो सेम आप एक नंबर स्टेप फॉलो करते हुए आप इस ऐप्स पर क्लिक कीजिएगा एंड अलाउ बैकग्राउंड डाटा ये ऑफ करके रख दीजिएगा। इस तरह आप अपने मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा बचा के रख सकते हो एंड नेटवर्क भी बचा के रख सकते हो। अगर इस वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।